अगस्त मैंने कुछ इस तरीके से मनाया इन बच्चों के साथ में कि इनको गुब्बारे बांटे हैं सभी को, क्योंकि कुछ गुब्बारे भी पहले दे चुके थे तो ये वापिस आ गए कुछ अपने दोस्तों को लेके, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि उनको। जो मिलता है वो और ज्यादा चाहते हैं। तो सब बच्चे एक बार हाई बोल दो इसमें बच्चों। हाय। ये सब 15 अगस्त में कॉलोनी के बच्चे हैं, अब सबको इनको गुब्बारे मिलने वाले हैं। सो पहला नंबर किसका है? इसका। देना दूसरे गुब्बारे उठाना मुझे और उधर से। एक एक गुब्बारे सबको। ये अनुष्का को तो मिल चुका था पहले, ये लो, नाम भी जानता हूँ इनके मैं। आ जाओ लो। देखो भैया आप सबको गुब्बारे मिलने वाले हैं, ये बच्चों की असली खुशी है 15 अगस्त की। ये देखो और देखो मनीष, मनीष मेरा भाई है, पीछे काम कर रहा है। ये दो चाहिए बेटा, दो एक और देना इसको, दो चाहिए। ये लो दो। दो क्यों चाहिए तुम्हें? दो क्या करोगे, एक ठीक तो है। बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा चाहिए। और ये लो फिर वापस, उसके पास तो आ चुका है, तुम भी लो। इसको भी दो चाहिए, चलो ठीक है ले जाओ ये भी। अब ये किसको मिलने वाला है? और तुम दोनों ले तो लिया अभी थे अनुष्का ने, ये ले जाओ। और ये भैया बच्चे हैं और इनको डबल चाहिए हमेशा, ये भी ले जाओ डबल। बहुत सारे बच्चे, एक बार और हेलो बोल दो सबको। हेलो। चलो ठीक है। अब दोस्तों ये इस तरह से जो है बच्चों का दिल बड़ा ही सच्चा होता है और वो घूमते रहते हैं इधर उधर। यदि कोई कुछ दे दे उनको तो उनको और ज्यादा चाहिए ऐसा लगता है। देखो आप उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। चलो ठीक है मैं गेट लगा रहा हूँ। अब इस तरह से मनीष उसकी आवाज़ कम करना, थोड़े से वीडियो एडिटिंग की आवाज़ कम करना। अब मैं अपना गार्डन, ये जो बना हुआ है यहाँ पे वो देखिए आप, ये मैंने पौधे हैं जो भोपाल से लाके लगाए हुए हैं और बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और ये मैंने स्पेशली यहाँ पे, ये ना खाली पड़ा हुआ था पहले और उसको फिर यहाँ पे एक एक करके इस तरह से ये कुछ खाली बर्नियाँ होती हैं उनमें मैंने लगा दिया है। सो अभी देखेंगे आपकी कितना ब्यूटीफुल सा इसका एक लुक आता है। दोस्तों बच्चों से मुझे एक चीज़ याद आई है कि एक बच्चा यदि सही से पढ़ जाए तो वो अपने परिवार की हालात को बदल सकता है, और यदि और अच्छे से दिल से पढ़ जाए और वो कुछ बन जाए तो एक बच्चा 7 पीढ़ियों को बदल सकता है ऐसा लोग बताते हैं, और ये सच भी है। चलो अब कुछ बातें बैठ कर करते हैं। मैं अपनी जगह पे बैठता हूँ यहाँ पे, अब कुछ बातें दिल से हो जाए। मनीष पर्दा निकालना है, पर्दा थोड़ा बीच में आ रहा है। सो व्लॉग में मेरा एक ये पहला, और भी मैंने व्लॉग अपने सतीश सोनी पर्सनल चैनल पे डाले हुए हैं। थोड़ा सा लाइटिंग आपको कम आ रही होगी, ठीक है, लाइट का इशू है थोड़ा। लाइट चली जाती है तो फिर हमको इसे ही शूट करना पड़ता है कि भाई कहीं से सनलाइट आ रही है। सनलाइट वैसे तो बेस्ट सोर्स है शूट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी, मैंने अभी तक बताया कि बच्चों के बीच में आज हमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया। अब मैं अपने पर्सनल ब्लॉग में डेली अपने बारे में आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, किस तरह से मेरी अर्निंग होती है और काम क्या है, मतलब या यूट्यूब पे हमें अभी कितना पैसा यूट्यूब से मिलता है, यूट्यूब पे मेरे कितने चैनल हैं। बेसिकली व्लॉग बहुत दिल से होता है, तो मैंने व्लॉग में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था लोगों से बात करने के लिए, और मैंने चैनल भी इसीलिए शुरू किया था कि मैं दिल से बात कर पाऊँ लोगों से। फिर जब एक प्रोफेशनल भी आता है ना तो फिर सब कुछ वो पढ़ा पढ़ाया से होता है, पहले स्क्रिप्ट की तैयारी करो फिर बोलो, और वो यू नो काफ़ी एक दिल से कनेक्ट नहीं होता है कहीं पे। बट एजुकेशन सिखाने के लिए तो वो तरीका बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप अपनों से बात कर रहे हो तो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं पढ़ाने के ऊपर आपसे बात कर रहा था। पढ़ाई में हम यदि जैसे मैं रहता हूँ, अभी मैं ब्यावरा शहर में हूँ, यदि आप ब्यावरा जैसे शहर में रहते हैं या और कहीं किसी छोटे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत बड़े कॉलेज नहीं होते हैं, तो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं। अब क्या दिक्कत आती है कि बड़ी डिग्रियाँ वो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कोई भी फार्मेसी की डिग्री हुई या इंजीनियरिंग की डिग्री हुई या इस तरह की डिग्री, तो थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी बीए और बीएससी में इन कंपेरिजन में भी इन डिग्रियों की कम होती है। या यूँ कहें कि यदि इसमें यदि गवर्नमेंट प्रिपरेशन किया जाए तो हो सकता है कि ऑप्शन और भी बढ़ जाएं। पर यदि आप इस तरह की डिग्री करने का आपका कोई विचार है, या तो बी फार्मा या इंजीनियरिंग या इससे और रिलेटेड कोई डिग्री करने का यदि आपका विचार है, तो मैं कहीं ना कहीं
उस चीज़ में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना कॉलेज है वो पूरा एजुकेशन मैंने भोपाल से किया हुआ है। मदद सिर्फ मुझे इतनी ही करना है कि आपको एक रास्ता बताना है कि यार ये रास्ता जा रहा है भाई, आप इस पे चले जाओ, आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सो आपकी फ़ीस यहाँ पे हो सकता है कि हो क्या सकता है, कंफर्म है कि आपकी फ़ीस यहाँ पे कम हो जाएगी, जिससे आप आराम से अपना 4 साल पढ़ पाओगे, और 4 साल पढ़ने के बाद में एक रेस्पेक्टिव फिगर, या यूँ कहूँ कि आप अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए उतना पैसा तो आप कमा लोगे। और अगर आपके अंदर और भी ज़्यादा हुनर या स्किल है तो आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर लगन क्या है, आपको ज़रूरत क्या है। मैंने आज एक सुबह बहुत प्यारा, चलो और कहीं चल कर बात करते हैं, एक जगह ज़्यादा बैठना फिर वो वापस अगेन प्रोफेशनल वीडियोज़ के जैसा हो जाता है। तो ये हमारे भगवान का मंदिर है, अब यहीं पर एक टॉक करते हैं हम कि अगर इंसान को सिर्फ ये क्लियर हो जाए कि करना क्यों है तो फिर वो सब कुछ कर जाएगा। आप बच्चे को कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ता है क्योंकि उसको क्लियर नहीं कि पढ़ना क्यों है। जिस दिन आप किसी बच्चों को ये बता दोगे कि उसको पढ़ना क्यों है, जिस दिन किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि काम क्यों करना है, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स जैसे गेम, बड़े बड़े इतने बड़े स्पोर्ट होते हैं जहाँ पर बहुत हायर कॉम्पिटिशन देता है, लेकिन वो लोग इतने ईजीली जीत जाते हैं कि मानो आपको लगता है कि एक मैजिक हुआ है, लेकिन वो मैजिक नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द या उनकी खुशियां छुपी रहती है। जब वो उस स्पोर्ट में होते हैं ना, मैं आपसे थोड़ा बैठ के बात कर रहा हूँ, जब वो उस स्पोर्ट में होते हैं ना तो उस स्पोर्ट में सिर्फ एक ही चीज़ उनके अंदर काम करती है, या तो उस इंसान के दर्द या उस इंसान के आने वाली खुशियां, या तो पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो स्पोर्ट जीतना चाहता है, या फिर कुछ ऐसा है जो वो पाना चाहता है। बस दो ही चीज़ें ज़िंदगी में काम करती हैं। और इस स्पोर्टमैन को जो खेल रहा है खिलाड़ी, उसको ये पता होता है कि भाई मुझे खेलना क्यों है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है, एक आम इंसान को नहीं पता कि भाई वो काम क्यों करे, उस बच्चे को नहीं पता कि वो स्कूल क्यों जाए, इसको स्कूल जाके मिलता क्या है। और वो जब अपने माँ बाप से पूछता है तो माँ बाप भी बड़ा सिंपल उसको कह देते हैं कि नहीं यार, कह देते हैं कि नहीं स्कूल जाओ, तुम अच्छी जॉब लग जाएगी तुम्हारी और फ्यूचर सेटल हो जाएगा। इतने में उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो बोलता है कि मम्मी या पापा मैं पैसा तो ऐसे भी कमा लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो लोग मोबाइल से भी ना जाने कितना कमा लेते हैं, ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया पे कर लेते हैं लोग, और माँ बाप के पास कोई तर्क ही नहीं होता कि भाई उसको क्या बताएं ऐसा कि वो कर ले अपनी चीज़ को। बात तो सही है कि भाई उसको बताना क्या है। यदि आप एक बार उस बच्चे की काउंसलिंग करके उसको ये बता दें कि उसकी ज़िंदगी में यदि वो नहीं पढ़ेगा तो क्या क्या दर्द हो सकते हैं, और यदि वो पढ़ेगा तो क्या क्या खुशियां हो सकती हैं, फिर बच्चे को रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो रुकेगा नहीं किसी से। जिस तरह से स्पोर्ट्समैन नहीं रुकता ना, अपना फॉर्म में रहता है स्पोर्ट्समैन, वो जीत जाता है, सब कुछ कर लेता है सब कुछ, उसको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बार बार वो मोटिवेशन देखता भी नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और 10 दिन बाद जो लोग भूल जाते हैं उनके पीछे बेसिकली यही रीज़न है कि उनका वाई क्लियर नहीं, कि उनको काम करना क्यों है ज़िंदगी में। तो और ये पीछे मेरे पीछे पेंटिंग्स लगी हुई है, ये मैंने खुद ने बनाई है, ये ऊपर मेरी वाइफ राधा ने बनाई हुई है। अभी घर में लाइट चली गई, वरना मैं आपको घर भी दिखाता कि किस तरह से हमारा ब्यूटीफुल सा एक घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन इस तरह के डेली व्लॉग्स मैं आपको देता रहूँगा, जो मेरे पर्सनल व्लॉग होंगे, मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट और टच रहेंगे। थैंक यू सो मच मेरा पहला व्लॉग पूरा देखने के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।